देश में आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है और इस उपराले के तहत अगर पंजाब की बात की जाए तो आज मान सरकार की तरफ से पंजाब के लोगों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। आज 14 डिजिटल लाइब्रेरीज का उद्घाटन किया जा रहा है और इस उद्घाटन के तहत आज पंजाब के नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए एक बड़ा उपराला होगा। आज हम लुधियाना में पढ़ते इसरू गाँव में पहुंचे हैं। एक तस्वीर आपको इस गाँव की दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे मास्टर कर्नैल सिंह इसरू, उनको श्रद्धांजलि के इस दिन खास मौके पर इनके लिए आज एक इसरो गांव के अंदर एक लाइब्रेरी जो है वो ओपन की गई है। और खास बात ये है कि जो 14 लाइब्रेरीज आज ओपन की जा रही हैं यानी खोली जा रही हैं, ये टोटली फुली तरीके से टेक्नोलॉजी से लेस लाइब्रेरीज हैं। आमतौर के ऊपर हम लाइब्रेरीज का भी जब भी जिक्र करते थे तो दिमाग में या जहन में हमेशा ही जो है या तो शहर आता है या फिर यूनिवर्सिटीज आती हैं या फिर स्कूल्स में, आमतौर के ऊपर कई स्कूलों में ये लाइब्रेरीज खोली जाती हैं। लेकिन अब पंजाब और मान सरकार की तरफ से ये जो एक अलग तरीके की पहल कदमी की गई है, हालांकि इससे पहले 250 लाइब्रेरीज ऑलरेडी पंजाब में चल रही हैं, 190 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, लेकिन इसके तहत अगर बात की जाए तो आज क्योंकि 15 अगस्त है, बड़ा अहम दिन है, आज़ादी दिहाड़ा है, और ऐसे में आज 14 नई लाइब्रेरीज जो हैं सिर्फ लुधियाना जो एरिया है उसको दी गई हैं, उसका इनोग्रेशन किया जाए। उसमें से आज हम जो जहाँ पहुँचे हैं ये ईसरू गांव है, जहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी से मतलब है कि यहाँ पे आप अगर बच्चे नेट सर्चिंग या सर्फिंग करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके गांव का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है और बहुत इजीली वो यहाँ पे नेट पे सर्फिंग कर सकता है। एसी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास जो हैं यहाँ पे मौजूद है। आमतौर के ऊपर जब भी हम लाइब्रेरीज की बात करते हैं, खासतौर पर जब हम गाँव की बात करते हैं, तो इस तरीके की लाइब्रेरीज पहले नहीं होती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो नक्शा जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लगाया गया ताकि बच्चे हर चीज़ को बारीकी से जान सके। 2 इंटरनेट सर्विसेज हैं, बुक्स यहाँ पे पंजाबी से लेके हिंदी हर लैंग्वेज में रखी गई है ताकि बच्चों को अच्छी जानकारी। यहाँ इस गांव में कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, लड़कियाँ और लड़के, हम सबसे एक एक करके बात करते हैं, जानते हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं। बेटा, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, आप लोगों के गाँव के अंदर अब लाइब्रेरी खुल चुकी है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। सो आप किस तरीके से देखते हैं बेटा, क्योंकि मान सरकार की तरफ से खोली गई है, क्योंकि अब आप लोग कभी भी आ सकते हैं, सबसे अहम बात है, और हर चीज़ आपको नेट भी आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपराला किया मान साहब ने। पहला पिंड विच लाइब्रेरी नहीं सी, पर हुण स्कूल विच खुल चुके, असीं आ भी सकते हाँ। आ भी सकते हाँ। ते पढ़ाई कितनी इजी हो गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई इजी हो गई है, जर मर्जी असीं आके पढ़ सकते। बच्ची है, थोड़ा घबराती है, लेकिन आप बेटा किस तरीके से देखते हैं, आपसे हम बात करते हैं, क्या लगता है लाइब्रेरीज ओपन हो चुकी हैं, लगता है कितना आप लोगों के लिए बेटा बिजी होगा पास? और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पिंड में लाइब्रेरी नहीं थी, इससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो किताब हमें स्कूल में नहीं पढ़ाते वो हम यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं और पूरे ज्ञानी हो सकते हैं, पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ 2 बच्चे हैं जो बेटा आप लोग नेट सर्च कर रहे हो, पहले कभी ऐसा होता था, जो अब चीज़ें बदल रही हैं? नो मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या-क्या बदलाव होंगे आपको, क्या लगता है कि अब ये चीज़ें होने से आप लोगों की स्टडी में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आप हाँ जो आप चीज़ पहले नहीं कर पाते थे अब वो चीज़ कैसे कर पाएंगे? मैम कोई भी नेट पे चीज़ सर्च करके साड़ी जल्दी जल्दी कोई सर्च कर सकते हैं, कोई सलूशन जल्दी जल्दी कट सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? +2 ਕਮਰਸ ਸੀ। ਹਾਂ, +2 ਦੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। सो ये +2 के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ और जो विद्यार्थी हैं लड़कियाँ यहाँ और भी जो मौजूद हैं, जाहिर है क्योंकि देखिए जब आप बड़ी क्लास में होते हैं आपको बहुत कुछ सर्च करना होता है, बहुत सारी जानकारियाँ निकालनी होती हैं, ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे जो लाइब्रेरी को
पूरे तरीके से फुली जो आम लाइब्रेरी से बहुत खास और बड़ा यूनिक बनाया गया। जाहिर बात है जब बच्चों के लिए इस तरीके की चीज़ें आती है तो बच्चे जो है उनके लिए इजी, और अखबारों की भी फैसिलिटी। बेटा कौन सी क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं आप? मैम प्लस टू कॉमर्स। प्लस टू कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। लाइब्रेरी आपके स्कूल में अब ओपन हो चुकी है, आपके गाँव में, माफ़ कीजिएगा, आपके गाँव में ओपन हो चुकी है। कितना आप लोगों को अब फ़ायदा होगा? पहले जो चीज़ नहीं कर पाते थे अब पढ़ाई में वो चीज़ आप पहले कर पाएंगे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आमतौर के ऊपर बच्चे जो फेस करते हैं, जो हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन हमें फेस करनी पड़ती है? मैम एक्चुअली प्रॉब्लम देयर इज़न दैट मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर विलेज दैट हियर इज़ अ लाइब्रेरी इन इट, एंड इट्स एक्चुअली द ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज कहते हैं कि जो बुक्स होंगे ने ओशन ऑफ नॉलेज होंगे ने, सो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज हेयर एंड टू क्लीयर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेयर अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर दैट। सो बहुत ही वधिया अपॉर्चुनिटी मिली है, हूँ आसानी ना असं एग्जाम्स भी क्लीयर कर सकते हैं, काफ़ी सारे नॉलेज लै सकते हैं फ्री टाइम के। क्या लगता है आपको, जैसे अब आमतौर के ऊपर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद हम घर में आके कई बार इस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं कि शोर होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो अब लगता है ये हेल्पफुल एक्चुअली हियर इज़ अ लॉट ऑफ पीस, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्वायरमेंट है, यू नो एयर कंडीशनर है एंड द लुक इज़ ऑल्सो सो ब्रिलियंट सो दैट वी कैन ईजिली क्रैक आवर न्यूज़ एंड या इट इज़। सो बच्चों में काफ़ी खुशी है, बच्चे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात बच्चों ने कहा कि जब हम बड़ी क्लास में होते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए बुक्स नहीं हो पाती हैं, उन बुक्स की भी अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी जिसके तहत बच्चे जो हैं वो पढ़ भी सकेंगे, तैयारी भी कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की हर चीज़ें इस जो लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल होंगी, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जिस तरीके से बच्चों ने भी जानकारी दी कि अब उनके लिए पढ़ाई और भी ईजी होगी, सबसे अहम बात है कि गाँव के अंदर ही अब वो स्कूल के बाद अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर उन्हें अदर एग्ज़ाम्स में भी अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो मान सरकार की तरफ से आज 14 लाइब्रेरी 15 अगस्त के खास मौके पे पंजाब के लोगों को दी गई, हालांकि 250 पहले से चल रही हैं, एक बड़ा जो इनिशिएटिव है आज मान सरकार की तरफ से पंजाब के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ लुधियाना से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।